हेलो एवरीवन सो इन काइनेटिक्स हम लोग पढ़ रहे थे इफ़ेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन रिएक्शन रेट सो एक जनरल बात मैंने बताई थी कि इट इज़ फाउंड दैट फॉर द फॉर मोस्ट ऑफ द केमिकल रिएक्शन रेट इंक्रीजेस टू टू थ्री टाइम्स फॉर एवरी टेन डिग्री राइज इन टेम्परेचर जिसको हमने ग्राफ से एनालाइज किया था इसको मैं दूसरे ग्राफ से बताता हूँ आपको

टू फॉर्म प्रोडक्ट ओके एंड नंबर ऑफ पार्टिकल्स इन दिस रीजन इनके पास एक्टिव एनर्जी तो है मगर वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट नहीं हो पा रहे हैं फिर हमने टेम्परेचर टी से टी प्लस टेन कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है कि ये कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होगा बिकॉज कानेटिक एनर्जी राइट की तरफ बढ़ रही है और वी नो दैट काइनेटिक एनर्जी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर ठीक है तो इसलिए ध्यान रखना कि जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे जो पीक ऑफ द कर्व है नीचे शिफ्ट होती जाएगी और कर्व राइट की तरफ शिफ्ट होता होता जाएगा मतलब सबसे ज़्यादा हायर पीक किसकी होगी जहाँ पर टेम्परेचर सबसे कम होगा ठीक है ना एंड टी प्लस टेन में आपने देखा कि पहले साइडेड रीजन इतना था अब साइडेड रीजन जो है वो इतना हो गया यानी कि रेट ऑफ रेशन ऑलमोस्ट डबल हो गया है ठीक है ना ये हम लोगों ने पढ़ लिया था एंड जो ये काइनेटिक इक्वेशन है जो कि हम आर एन एस इक्वेशन बोलते हैं के इक्वल टू ए इी पाइस ए बाई आर टी जहाँ पर ए को हम बोलते हैं प्री एक्सपोनेंशियल फैक्टर कोलिजन फ्रिक्वेंसी बोलते हैं इट इज़ नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड पर यूनिट वॉल्यूम एंड ई e की पॉम माइस ई ए बाई बाई आर टी ई e e की पॉमाइनज बाई आर टी इज़ द फ्रैक्शन ऑफ मालिक्यूल्स हैविंग सफिसेंट एक्टिव एनर्जी या कांटी एनर्जी ठीक है टू फॉर्म द प्रोडक्ट तो अगर मैं पूछूं कि ई e की पॉवर माइनस ई ए बाई आर टी की वैल्यू क्या है तो यू विल से बाई ए के बाई ए भी क्या होगा फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स हैविंग सफिसेंट काइंट एनर्जी अच्छा ये दोनों क्वांटिटी जो हैं k बाई ए और ई e के पावर माइनस ई ए आर टी ये दोनों डायमेंसन लेस हैं वैसे भी जनरली हम ये इसको फर्स्ट ऑर्डर के लिए डिस्क्राइब करते हैं तो अगर मैं देख मैं ई e, e की पावर माइनस ई बाई आर टी की यूनिट निकालूँ ई e के पावर माइनस ई ए आर टी इसकी अगर यूनिट चेक की जाए तो ये ये एनर्जी है तो इट में भी जूल और इन कैलोरी तो ई की वैल्यू होगी जूल पर मोल ठीक है जूल पर मोल ओके एंड जो आर होता है दैट इज़ जूल पर मोल पर कैलविन एंड टेम्परेचर किस में होता है कैलविन में सो so, ये कैलविन कैलविन कैंसिल हो गया और जूल पर मोल से जूल पर मोल कैंसिल हो गया तो दिस इज अ डायमेंसन लेस ठीक है डायमेंशन लेस ओके और देखो के बाई ए क्या होगा तो के बाई ए क्या होगा तो जो हमारा के बाई ए भी डायमेंशन लेस है क्योंकि अगर फर्स्ट ऑर्डर की हम बात करें तो के की यूनिट क्या होगी सेकेंड इनवर्स और ये क्या होता है नंबर ऑफ कोलिजन पर सेकेंड तो ये भी किस में होगा सेकेंड इनवर्स तो ये भी क्या आ जाएगा डायमेंशन लेस ठीक है अच्छा इसी पर हम लोग एक न्यूमेरिकल लेते हैं देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से द रेट कॉन्स्टेंट फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन फॉर सर्टेन कंपाउंड में बी डिस्क्राइब्ड बाई द फॉलोइंग इक्वेशन लॉग के फोर्टीन पॉइंट थ्री फोर माइनस वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर फोर अपॉन टी टी कैलवीन इज द यूनिट फाइंड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन एंड रेट कॉन्स्टेंट एट थ्री नाइन्टी सेवन डिग्री सेल्सियस ओके तो आप क्या करें कि इस इक्वेशन को जो लॉग जब लॉग में होता है तो बेस टेन होता है ठीक है सो इसको आप जो काइट एनर्जी की सॉरी जो आर एन एस इक्वेशन है उसे कंपेयर कर दो ओके सो देखो व्हाट इज़ आर एन एस इक्वेशन ए आर इक्वेशन आर एन एस इक्वेशन होती है लॉग के इक्वल टू लॉग ए माइनस ई ए बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इंटू टी ए बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इंटू टी ठीक है ना आप कंपेयर करेंगे तो दिस इस इज इस इसमें ग्राफ किसके बीच में, में खींचते हो आप लॉग के वन बाई टी में ग्राफ प्लॉट करते हो सो लॉग ए क्या आ जाएगा लॉग ए इक्वल टू फोर्टीन पॉइंट थ्री फोर इसमें एंटी लॉग लेना पड़ेगा तो ए की वैल्यू आएगी जनरली वो दे देंगे आपको और इसको जब कंपेयर करते तो यहाँ माइनस है यहाँ माइनस है तो कोई दिक्कत नहीं है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ई ए अपॉन टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर वन बाई टी वन बाई टी का कॉम्फिशन कितना है यहाँ पर ये यह वन बाई टी है ई ए बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर माइनस का और यहाँ पर माइनस वन पॉइंट टू फाइव टी माइनस वन पॉइंट टू फाइव इन ट्वेंटी पावर फोर डिवाइड बाई टी सो so, ये वन बाई टी का को कॉपीशन कितना है यहाँ पर वन पॉइंट टू फाइव या फिर आप यहाँ पे आर टी लिख दीजिए तो इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर फोर अपॉन टी सो so, ये कितना बचा आपका ई ए बाई ई ए बाई टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री आर इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव टेन की पावर फोर राइट इतना बचा सिर्फ क्योंकि टी से टी कैंसिल हो गया तो वन बाई टी का को कोफिशियन और इसका वन बाई टी का कॉफिशियन कंपेयर कर लीजिए तो यहाँ से ई ए की वैल्यू कितनी आ जाएगी ई ए इक्वल टू वन पॉइंट टू फाइव इंटू टेन की पावर फोर इंटू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री इंटू आर एंड आपको अगर आपको एक्टिवेशन एनर्जी जूल में निकालनी है ठीक है इफ़ोन टू फाइन एक्टिव एनर्जी इन जूल देन टेक आर इक्वल टू एट पॉइंट थ्री वन फोर इफ अगर आपको एक्टिव एनर्जी कैलोरी में चाहिए तो टेक आर इक्वल टू टू कैलोरी ठीक है इतना क्लियर है आप इस तरह से कर सकते हैं सो दिस इज द वैल्यू ऑफ आर दिस इज द वैल्यू ऑफ सॉरी एक्टिवेशन एनर्जी ओके और जैसे ही जब एक्टिव एनर्जी आ जाएगी और यहाँ पे एंटी लॉक लेके ए आ जाएगा तो फिर हम ए की वैल्यू पुट कर देंगे एक्टिवेशन में पुट कर देंगे तो के आ जाएगा तो मतलब मेथड ये है सॉल्व करने का ओके इसका आंसर है एक्टिवेशन एनर्जी की वैल्यू है टू थ्री नाइन पॉइंट फोर और रेट कांस्टेंट के की वैल्यू है फोर पॉइंट एट इंटू टेन की पावर माइनस फाइव जब क्वेश्चन आएगा तो सिंप्लीफाई होगा मैं तो एक मैथ बताता कैसे करना है और इस तरह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट होते हैं कंपेयर करने वाले ठीक है एक क्वेश्चन मैं और सिंपल सा पूछता हूँ आपसे सिक्सटी परसेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन सिक्सटी परसेंट ऑफ ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कंप्लीटेड इन सिक्सटी मिनट फिफ्टी परसेंट ऑफ द सेम रिएक्शन वुड बी कंप्लीटेड अप्रोक्सीमेटली हाउ मेनी टाइम हाउ मच टाइम ठीक है तो आपको पता है कि सेम रिएक्शन मान लो कोई रिएक्शन ए टू पी है इसका आंसर बता रहा हूँ मैं कोई रिएक्शन ए टू पी है ए टू पी ठीक है सो सेम रिएक्शन अगर सिक्सटी परसेंट हो चाहे फिफ्टी परसेंट हो उसके लिए रेट कांस्टेंट क्या होगा सेम होगा रेट कांस्टेंट जो के वो टेम्परेचर से चेंज होता है और कैटलिस से भी हो सकता है चेंज अगर रिएक्शन चेंज होती है तो सो ए चेंज टू पी तो 60% परसेंट फर्स्ट ऑर्डर के लिए कैसे कोगे के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स ए नॉट इज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी एंड ए नॉट माइनस एक्स इज देशन ऑफ द रिएक्टेंट सॉरी ए नॉट इज द कंसंटेशन ऑफ रिएक्टेंट एट टाइम टी इक्वल टू जीरो बिफोर द स्टार्ट ऑफ द रिएक्शन एंड ए माइनस ए नॉट माइनस एक्स इज द कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट टी एट टाइम टी ओके सो फॉर सिक्सटी परसेंट कम्प्लीशन वी कैन राइट टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टाइम सिक्सटी परसेंट के लिए क्या चाहिए लॉग तो इनिशियली हमने हंड्रेड मान लिया सिक्सटी परसेंट कम्प्लीट का मतलब रिएक्टन कितना बचा फोर्टी परसेंट यानी कि हंड्रेड माइनस सिक्सटी तो कितना बचा ए नॉट माइनस एक्स फोर्टी तो बचा इक्वेशन नंबर वन एंड के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जो थ्री फिफ्टी परसेंट कंप्लीस के लिए टाइम टी फिफ्टी परसेंट लॉग हंड्रेड अपॉन हंड्रेड माइनस फिफ्टी ये इक्वेशन टू हो गई और रेट कॉन्शन क्या होंगे दोनों के सेम होंगे तो रेट कॉन्स्टन फॉर सिक्सटी परसेंट कम्प्लीशन रेट कॉन्शन फॉर फिफ्टी परसेंट दोनों सेम होंगे तो के सिक्सटी इक्वल टू के फिफ्टी क्योंकि रेट कॉन्स्टेंट चेंज नहीं होते हैं इन दोनों को इक्वेट कर दें तो देखो सिक्सटी परसेंट कम्प्लीसन के लिए टाइम सिक्सटी मिनट दे रखा है यानी कि टी सिक्सटी कितना दे रखा है टी सिक्सटी इक्वल टू सिक्सटी मिनट ओके सो यू हैव टू फाइन टी फिफ्टी ओनली तो दोनों को क्या कर दीजिए इक्वेट कर दीजिए इक्वेशन वन इक्वल टू इक्वेशन टू और टी सिक्सटी के प्लेस पर सिक्सटी मिनट पुट कर दीजिए और टी फिफ्टी की वैल्यू आ जाएगी सो so इसकी वैल्यू जो है वो आप चेक कर लेना आंस आंस चेक करके बता देना टी फिफ्टी परसेंट की जो वैल्यू आएगी दैट विल बी फोर्टी सिक्स पॉइंट फाइव मिनट तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन होते हैं एक और इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन बताता हूं मैं आपको इन रिएक्शन टू एन टू फाइव चेंज इन टू फोर एन ओ टू प्लस ओ टू द रेट कैन बी एक्सप्रेस्ड एज इस रिएक्शन का रेट ऐसे एक्सप्रेस किया गया है माइनस डी बाई डी टी कंसेंट्रेशन एन टू फाइव इक्वल टू के वन एन टू फाइव यानी कि ऑर्डर वन है डी मतलब कि देखो तो इसमें तीन तीन स्पीसीज है N2O5, NO2 और O2 ठीक है और तीनों के रिस्पेक्ट में रेट ऐसे किया गया है एन टू फाइव के रिस्पेक्ट में के वन एन टू फाइव अच्छा यहाँ मैच लगा है तो यानी कि एन टू फाइव का डिसअपियरेंस हो रहा है और ऑब्वियस सी बात है इस रेस्ट में एन टू फाइव डिकम्पोज हो रहा है और एन ओ टू और टू बन रहा है एन ओ टू फॉर्म हो रहा है तो इसका अपीयरेंस का रेट है यानी फॉर्मेशन ऑफ एन टू डी बाई डी टी एन ओ टू के टू एन टू ओ फाइव एन डी ओ टू बाई डी टी के थ्री एन टू ओ फाइव तो हाउ आर के वन के टू एन के थ्री आर रिलेटेड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन तो देखो पहले आप क्या करें रेट ऑफ द गिवन रिएक्शन रेट ऑफ मैं आंसर बता रहा हूं आप रेट ऑफ गिवन रिएक्शन रेट लॉ नहीं लिख रहा हूँ रेट लिख रहा हूँ गिवन रिएक्शन तो जब मैं रेट लिखूंगा कैसे लिखूंगा इसका याद है आप लोगों को माइनस वन बाई टू डी एन टू ओ फाइव अपॉन डी टी याद है इक्वल टू यहां पे फोर है तो वन बाई फोर डी एन ओ टू बाई डी टी ठीक है और यहां पर कॉफिशन कितना है वन सो वन डी ओ टू बाई डी टी ऐसे लिखते थे हम लोग रेट दिस इज इक्वल टू रेट किसके बराबर हो गए रेट के बराबर ओके अब क्या करो इससे कंपेयर करो इक्वेशन फर्स्ट से तो देखो फ्रॉम फर्स्ट अगर मैं इसे कंपेयर करूं तो ये टू देखो इससे मैं कंपेयर कर रहा हूं ठीक है सो फ्रॉम फर्स्ट ध्यान देना फ्रॉम फर्स्ट फर्स्ट से मैं क्या ले सकता हूं बता सकते हो आप लोग माइनस डी एन टू फाइव डी टी और यहां पर हाफ है तो इस टू को इस साइड ले आइए यानी कि हमारा कॉफिशन क्या आ जाएगा या फिर आप इसको ऐसे कर सकते हो कि आप ना इसको इसको इन तीनों को इक्वल मान सकते हो के कंसनट्रेशन ऑफ एन टू तो ओ फाइव से ठीक है इन तीनों को इक्वल मान सकते हो के एन टो तो फाइव के तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ माइनस हाफ डी बाई डी टी एन टू तो ओ फाइव इक्वल टू के एन टू तो ओ फाइव और जब मैं इसको फ्रॉम फर्स्ट से कंपेयर करूंगा तो के के प्लेस पर मैं क्या लिखूंगा देखो यहाँ पर तो हाफ़ नहीं है ना तो मैं लिख सकता हूँ के इक्वल टू, टू टू के ए वन क्लियर है क्यों क्योंकि ये टू इस साइड आ जाएगा ना टू के नहीं नहीं सॉरी के वन इक्वल टू, टू टू के आप देख सकते हो यहाँ से कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ एक सेकेंड माइनस डी बाई डी टी कंसेंटेशन एन टू ओ फाइव इक्वल टू टू के एन टू ओ फाइव राइट और टू के और यहां पर क्या है के वन यानी कि के वन इक्वल टू टू के ठीक है लाइक like दैट और क्या लिख सकते हो आप जब आप इससे लिखोगे तो देखो ये भी इसके इक्वेट कर दो सो सो मैं लिख सकता हूं वन बाई फोर डी बाई डी टी एन ओ टू इक्वल टू के एन टू ओ फाइव ठीक है तो so, यहाँ पर डी बाई डी टी एन ओ टू कितना जाएगा फोर के एन टू ओ फाइव और हम इससे अगर कंपेयर करें इस वाले से देखो यहाँ पर डी बाई डी टी एन ओ टू कितना लिखा है के टू एन टू ओ फाइव तो यानी कि फोर के की प्लेस पे यहाँ पे क्या लिखा है के टू तो के टू इक्वल टू कितना हो गया फोर के इतना क्लियर है और इसके बाद नेक्स्ट एक्सप्रेशन में कैसे हम लिखेंगे डी बाई ओ टू डी टी इक्वल टू के एन टू फाइव और यहाँ पर भी क्या है के थ्री एन टू फाइव डी बाई ओ टू तो यहाँ पर तो कॉफिशन कुछ नहीं है एक है तो हम के की जगह क्या प्लेस कर सकते हैं के थ्री या के थ्री इक्वल टू के सो थर्ड में आ जाएगा के थ्री इक्वल टू के सो हमें क्या मिला देखो ध्यान से वी वी गेट के वन इक्वल टू टू के वी गेट K2 टू इक्वल टू फोर के एंड के थ्री इक्वल टू के ठीक है हमें इसमें रिलेशन निकालना था तो बताओ K की वैल्यू क्या आ जाएगी सो so, K इक्वल टू क्या आ जाएगा वन बाई टू के वन ठीक है एंड वन बाई फोर के टू एंड के के थ्री बस वन ठीक है ये आ गया तो हमें क्या मिला इनका जो रेशो क्या मिला सो ये रिलेशन है या फिर इसको आप और सिंप्लीफाई कर सकते हो तो क्या करो कि इस फोर को हटाना है तो फोर से मल्टीप्लाई कर दो तो के इक्वल टू क्या आ जाएगा यानी कि इट विल बी टू के वन विच इज इक्वल टू के टू इक्वल टू फोर के थ्री ये रिलेशन आ गया आपको समझाने के लिए थोड़ा तो सा बड़ा हो गया अदरवाइज बहुत सिंपल क्वेश्चन था आपको मैंने बोला है कि बस जो दे रखा है यहाँ पर और यहाँ पर इसका रेट वापस से लिख लिया हमने इस रेक्शन का रेट वापस लिख लिया एंड इसको के एन टू फाइव बराबर कर दिया और ये भी देखो ये इसके के एन टू फाइव बराबर है ये के एन टू फाइव के बराबर है ये भी इसके बराबर है इसको यहाँ से कंपेयर कर लिए एक बार समझ लेना अच्छे से आप लोग ना नेक्स्ट वी विल स्टडी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन या स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है जैसे बच्चों आपने पढ़ा है स्यूडो फोर्सेस जो हमें एक्चुअल में होते नहीं हैं स्यूडो फोर्सेस आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा शायद से ठीक है तो स्यूडो ऑर्डर मतलब जो ऑर्डर हम सोच रहे हैं उससे डिफरेंट ऑर्डर है ठीक है एक्चुअलिटी से थोड़ा सा दूर देखो क्या होता है रिएक्शन वूज ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल ड्यू टू लार्ज एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंड इज कॉल्ड शूडो ऑर्डर रिएक्शन अब पहले इस डेफिनेशन में वापस पहले समझाता हूँ आपको देखो एक रिएक्शन हमने कंसीडर की कंसिडर अ रिएक्शन ए प्लस बी चेंजिंग टू पी और इसका रेट मैंने लिखा अब ये एलिमेंट्री रिएक्शन है

कॉपेशन इसका वन है कॉपिशन वन है तो इसका ऑर्डर क्या लग रहा आप, लग रहा है आपको दो यानी इसका ऑर्डर क्या दिख रहा है आपको दो क्योंकि ठीक है कॉपेशन का सम पावर रिएक्टन की पावर का सम बट अगर इसमें हम बी को लार्ज एक्सेस में ले लें तो बी को अगर लार्ज एक्सेस में ले लें तो रेट जो होता है के डैस ए यानी कि बी आ गया, गया कॉन्स्टेंट में यानी कि हमने क्या किया यहाँ पर हमने के इन बी को एक नया कॉन्स्टेंट के डैस मान लिया है ठीक है और रेट क्या हो गया के डैश इन ए क्या मतलब इसका तो इसको एक बार अच्छे से समझते हैं अब देखो रिएक्शन थी हमारी ए प्लस बी से पी ठीक है अब मान लो इनिशियली टाइम टीवल टू जीरो पर ए के वन मोल है और बी के फिफ्टी मोल है ठीक है ये जीरो है टाइम टी पर ये वन माइनस एक्स गया ये 50 माइनस एक्स होगा और ये x होगा इतना मानते हो अब मान लो x की वैल्यू जो है वो पॉइंट टू जीरो वन है ठीक है तो वन से पॉइंट जीरो वन गया कुछ चेंज आया लेकिन फिफ्टी से पॉइंट जीरो वन गया तो जो वैल्यू बचेगी वो बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया बी की कंसनट्रेशन बहुत चेंज नहीं आया क्यों फिफ्टी से पॉइंट जीरो वन जाना जाने से बी की कंसनट्रेशन ऑलमोस्ट फिफ्टी ही बची इसको क्या ले सकते हो आप फोटी नाइन सो ये कोई कम वैल्यू नहीं है ये ऑलमोस्ट फिफ्टी है तो अगर टाइम के साथ कंसंट्रेशन बी की चेंज नहीं हो पा नहीं हो रही है और ए की कंसंट्रेशन चेंज, चेंज हो रही है तो ए के चेंज होने से रेट चेंज होगा बी के चेंज होने से रेट कोई फर्क नहीं पड़ रहा है ओके तो जब कोई कंपाउंड लार्ज एक्सेस में होता है तो उसकी कंसंट्रेशन जो है वो चेंज नहीं होती है टाइम के साथ वो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है अब फिफ्टी में पॉइंट जीरो वन चला गया फिर पॉइंट जीरो वन चला गया लेकिन वन से जाएगा तो द कंसंट्रेशन ऑफ ए विल चेंज तो जो क्वांटिटी ऑलरेडी एक्सेस में है रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है रेट यानी स्पीड ऑफ रिएक्शन उस पर डिपेंड नहीं करती है जैसे एक बार एक बार शायद मैंने एग्जाम्पली आपको बताया था कि मान लो किसी रेस्टोरेंट में जो खाना बनाने वाले जो हैं वो हंड्रेड लोग हैं हंड्रेड पीपल हैं ठीक है ठीक है एंड जो डिलीवर करने वाले हैं वो दो लोग हैं अब अगर आपने तो बताओ उसका जो डिलीवरी रेट कैसे बढ़ेगा कैसे खाना ज़्यादा डिलीवर हो हो पाएगा तो आप यहाँ पर लॉन्ग बढ़ाओगे या हंड्रेड से अगर इसको हंड्रेड वन कर दिया हंड्रेड वन कर दिया तो क्या रेट बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा ना क्योंकि ये तो ऑलरेडी एक्सेस में है जो एक्सेस में है खाना बनाने वाले लोग एक्सेस में हैं तो उसमें नंबर ऑफ पीपल बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं है आपको यहाँ पर चेंज करना पड़ेगा ठीक है तो जो क्वांटिटी एक्सेस में होती है रेट उस पर डिपेंड नहीं करता है ठीक है यही बात कहने का है तो वही मैंने कहा कि अगर मैं बी को एक्सेस में ले लूँ तो रेट विल नॉट डिपेंड अपॉन द बी क्योंकि बी की कंसेंट्रेशन में चेंज ना के बराबर होगा यानी कि बी की वैल्यू ऑलमोस्ट कॉन्स्टेंट ही रहेगी तो मैं कंस के और बी को दोनों को कॉन्स्टेंट के डैस मान लेता हूँ तो रेट इक्वल टू के डैस इंटू ए ना इसका ऑर्डर क्या हो गया ऑर्डर इक्वल टू वन ठीक है ना तो वही लिखा है देखो अ रिएक्शन वूज ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम द एक्चुअल ड्यू एक्चुअल ड्यू एक्चुअल ड्यू टू लार्ज एक्सेस कंसेंट्रेशन ऑफ वन ऑफ द रिएक्टेंट तो इसको ऑर्डर एक्सपेक्टेड था टू बट ऑर्डर वन है बिकॉज बी इज टेकन इन लार्ज एक्सेस इज कॉल्ड टू स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन आपसे एग्जाम में पूछा जाएगी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है तो देखो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर मतलब रिएक्शन लगेगी कि सेकेंड ऑर्डर है बट होगी क्या फर्स्ट ऑर्डर देखो अब बाई मोलिकुलर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इन टू फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन इफ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस एक बाईमोलिकुलर रिएक्शन को हम फर्स्ट ऑर्डर में कन्वर्ट कर सकते हैं इफ़ वन ऑफ द रिएक्टेंट इज टेकन इन लार्ज एक्सेस वन ऑफ द रिएक्टेंट ओके लार्ज एक्सेस यही बात है ये बाई मोलिकुलर रिएक्शन थी इसमें बी क्वेश्चन ले लिया तो ये फर्स्ट ऑर्डर बन गई इसके वेरी बहुत ही इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल हैं नंबर वन हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर जब एस्टर की हाइड्रोसिस करते हैं ये एस्टर की हाइड्रोस हाइड्रोसिस जो होती है वो एसिड मीडियम में होती है इसलिए इसको एसिडिक हाइड्रोसिस भी कहते हैं तो देखो एस्टर सी एस फाइव इसका नाम है इथाइल एसीटेट या इथाइल एस्टर या फिर आयुपीसी नेम इसका नाम होता है आयुपीसी में इथाइल एथोनेट वाटर से इन प्रजेंस ऑफ एचप्रस ऑल दो रिएक्शन इज रिवर्सिबल तो बन जाएगा एसिड प्लस एल्कोहल ये टेंथ की रिएक्शन है ठीक है अब अब इसके मैं रेट लॉ लिखूँ तो कैसे लिखूंगा रेट इक्वल टू के कंसनट्रेशन ऑफ एस्टर एंड कंसनट्रेशन ऑफ वाटर ओके इतना क्लियर है बट वाटर इसमें एक्सेस में होता है हेयर लार्ज एक्सेस ऑफ वाटर यूजड या वाटर प्रेजेंट, ठीक है लार्ज एक्सेस में वाटर प्रेजेंट होता है अब मान लो एक लीटर भी पानी हुआ तो वाटर कितने मोल्स होंगे फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव अब फिफ्टी फाइव पॉइंट फाइव फाइव से मान लो ये टाइम के साथ पॉइंट जीरो वन कम हो रहा है तो इसकी कंसनट्रेशन में कहाँ कोई चेंज आ रहा है तो हम कह सकते हैं कि टाइम के साथ वाटर की कंसनट्रेशन क्या है कॉन्स्टेंट है क्योंकि ये एक्सेस में है तो फिर वाटर के बढ़ने घटने से रेट में कोई चेंज नहीं होने वाला है तो रेट विल नॉट डिपेंड इन द कंसनट्रेशन ऑफ वाटर तो हमने के इंटू एच टू क्या लिख दिया के डैश सो रेट इक्वल टू के डैश इंटू एचर यानी कि फर्स्ट ऑर्डर तो हम ऐसे कह सकते हैं देखो तो एक डिफ्रेंशन और भी है द रिएक्शन इन विच मॉलिकुलरिटी इज टू हम क्या बोल एक तरीका और डिफाइन करने का कि Reaction in which molecularity is two but order is one is called pseudo first order reaction, pseudo first order reaction. ठीक है यही जो आपने रिक्शन अभी देखी है ये इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी है कितनी मॉलिकुलरिटी इसकी है तो जितने मॉलिकुलरिटी क्या होती है नंबर ऑफ मॉलिक्यूल टेकिंग पार्ट इन ए केमिकल रिएक्शन सो वन वन यानी कि टू मॉलिकुलरिटी है इसकी मॉलिकुलरिटी कितनी थी दो मगर अगर बी को मैं एक्सेस में ले लूँ तो ऑर्डर कितना हो गया वन अब स्यूडो सेकेंड ऑर्डर कोई पूछे क्या होती है तो बोल दो कि जिसकी मॉलिकुलरिटी तीन हो बट ऑर्डर दो तो हो दैट इज स्यूडो सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन ठीक है अब इतना मोर देन सफिशेंट है बोर्ड एग्जाम के लिए बट इसमें मैं इसके आपको काइनेटिक्स भी बताता हूँ कि सूडो फर्स्ट ऑर्डर की काइनेटिक्स में क्वेश्चन कैसे होते हैं तो काइनेटिक्स ऑफ अबव रिएक्शन यानी कि हाइड्रोलिस ऑफ एस्टर की, की काइनेटिक्स कैसे होती है तो देखो ध्यान से आ, पहले इसका आप एक दूसरा एग्जाम्पल भी देख लो सेकेंड एग्जाम्पल है हाइड्रोलिसिस हाइड्रोलिस ऑफ केन शुगर हाइड्रोलिसिस ऑफ केन शुगर ये क्या होता है केन सुगर का फॉर्मला क्या होता है सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ एवन ठीक है तो सी ट्वेल्व एच ट्वेंटी टू ओ इलेवन प्लस एच टू इसको शुक्रोज बोलते हैं तो ये बन जाएगा सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स प्लस सी सिक्स एच ट्वेल्व ओ सिक्स यह आपका ग्लूकोज है एंड दिस इज फ्रक्टोज ठीक है ग्लूकोज एंड फ्रक्टोज एंड इसका जो रेट होता है रेट इक्वल टू के कंसंट्रेशन ऑफ शुगर ओनली शुगर ना एंड वाटर एक्सेस में होता है rate इस रेट इस पर डिपेंड नहीं करता है तो इसका ऑर्डर कितना है ऑर्डर इज वन ठीक है ऑर्डर ऑफ दिस रिएक्शन इज़ वन सो ये हमने श्यूडो ऑर्डोरेशन सीख ली कि वो रिएक्शन जो जिनका ऑर्डर मॉलिकुलरिटी से डिफरेंट होता है जिनका ऑर्डर मॉलिकुलरिटी से डिफरेंट होता है वो श्यूडो ऑडोरेशन होती है और हमसे एग्जाम में पूछा है कि स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डरेशन क्या होती है द केम सेकेंड ऑर्डर बाई मोलिकुलर रिएक्शन या बाई मॉलिकुलर रिएक्शन कैन बी कन्वर्टेड इन टू फर्स्ट ऑर्डर इफ वन ऑफ द रिएक्टन टेकन इन लार्ज एक्सेस या ऐसे कह सकते हैं रिएक्ट केमिकल रिएक्शन जिसकी मॉलिकुलरिटी दो है बट ऑर्डर वन है इस कॉल्ड शूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और उसमें रेट इक्वेशन जो है वो इसके लिए अगर रेट इक्वेशन लगानी तो हम फर्स्ट ऑर्डर की ही रेट इक्वेशन लगाएंगे रेट इक्वेशन यानी कि के इक्वल टू टू पॉइंट थ्री जीरो थ्री अपॉन टी लॉग ए नॉट अपॉन ए नॉट माइनस एक्स ठीक है ये इक्वेशन लगाएंगे करेक्ट अब इसके पार्ट बी में मैं आपको बताता हूं कि इनकी काइनेटिस कैसे होती है फर्स्ट ऑर्डर की और हाइड्रोसिड ऑफ केन शुगर की के.